प्यार लव, यादों में बंधा एक ऐसा कॉकटेल है जिसका नशा कभी नहीं होता। आई एम श्योर आपको वो सारे मोमेंट्स याद होंगे जो आपने किसी स्पेशल इंसान के साथ बिताए, वरना आज तो एक छोटा सा स्मार्टफोन आपकी हजारों मेमोरीज को स्टोर करके उन्हें इमॉर्टल बना दे। नाउ इमेजिन आप जिससे प्यार करते हैं उसे कुछ याद है, वो मोमेंट्स, वो वादे, शायद वो सपने जो आपने एक साथ सोचे हो, तब आप क्या करेंगे? उन्हें कैसे याद दिलाएंगे अपने बारे में, उनके बारे में? I honestly really hope आपके साथ ऐसा कभी कुछ ना हो, पर चलिए देखते हैं जिसके साथ ये हुआ क्या उसके प्यार को अपनी मंजिल मिल पाई, देखते हैं। यहीं तो रखी थी मैंने, कहाँ चली गई? Mom, I told you ना, I have decided मुझे बस अभि से शादी करनी है। आप समझते क्यों नहीं है? नव्या, पापा से तो परमिशन ले लो। मम्मा, प्यार भी कोई परमिशन लेके करते हैं क्या? अरे तुम जानती नहीं हो कि पापा उस लड़के से कितनी नफरत करते हैं, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। नव्या, एक सेकंड। अभी हम 3 साल से एक साथ रह रहे हैं, अगर टाइम पास होता तो 3 महीने में खत्म हो जाता ना। मॉम, आई एम टेलिंग यू, ही इज सीरियस अबाउट मी। एंड यू नो व्हाट, आज मैंने उसके कबर्ड में रिंग देखे, एंड वो मुझे प्रपोज करने वाला है। जैसे वो प्रपोज करेगा ना मम्मा, मैं तो हाँ बोलने वाली हूँ। और हाँ मम, अगर आप दोनों जिद्दी हैं तो मैं भी जिद्दी हूँ। अगर आप लोग उसे नफरत करते हैं ना, तो मैं अकेले काफी उसे प्यार करने के लिए। नव्या, तुम समझने की कोशिश करो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, कॉलेज चेंज करने की बात नहीं है, ये लाइफ की बात है। नव्या, ये सभी ओके मां, बाय बाद में बात करते हैं। बाय। अभी कुछ ढूंढ रहे हो? नहीं, वो मेरे गिटार का कैपो ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा ना, पता नहीं कहाँ चला गया है। मिल जाएगा, यहीं कहीं रखा होगा। हाँ। वैसे तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, शाम तक आ जाऊंगी। नवी यार, नो, यू हैड प्रॉमिस्ड यार, तुमने कहा था ना कि वीकेंड हम साथ में स्पेंड करेंगे, तो मैंने सारा दिन प्लान कर लिया है, सारा दिन हम साथ रहेंगे, एक सेक्सी कैंडल लाइट डिनर विद रोमांटिक म्यूजिक एंड द शेफ will be your truly. Okay. But, baby, candlelight dinner तो रात को होता है ना? अभी तो रात नहीं है ना? तो I guess अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं शाम तक जल्दी से अपना काम खत्म करके आ जाऊंगी। Take care, bye bye. Navi, Navi, that's not fair. Please, एक बार मेरी Navi, 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 मत जाओ please. अभी आई एम गेटिंग लेट, प्लीज मुझे जाना। लेट हो रहा है तो हो जाने दो, तुम्हारे बिना बोर हो जाता हूँ मैं, अकेले क्या करूँगा। अच्छा, बोर होते हो? ओके, तो तुम मैं अपना गिटार कैपो ढूंढो। नवी, 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 रुक जाओ, प्लीज प्लीज मत जाओ। अभी अभी कोई देख ले तो देख ले। हमेशा गलत टाइम पे रोमांटिक होता था, मैं जा रही हूँ। नवी, 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 अभी प्लीज जाने दो, जरूरी अभी। ओके, हाँ भैया, वो रेडी हो गया? अच्छा, अच्छे से फ्रेम किया है ना? वेरी गुड। और हाँ, अगर मैं घर पे ना रहूँ ना, तो वो डिलीवरी प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को मत दीजिएगा, वरना सारा सरप्राइज खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। चलिए, ऑलरेडी मिसिंग मी? हाँ, मुझसे पंगे ले रही हो? खरा हो तो बताता हूँ मैं।
पंगा? कौन सा पंगा? अच्छा, व्हाट पंगा? नवी की बच्ची, तुमने जो रिंग छुपाई थी ना, वो मुझे मिल गई। हंसलो 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 हंसलो। वैसे भी ये सरप्राइज तो खत्म हो ही चुका है, तो ये सस्पेंस भी खत्म कर दो ना। इस बात का जवाब दो ना कि यस है या नो है। कैसा आंसर? कौन सा क्वेश्चन? अभी तुम क्या बोल रहे हो? इस बात का आंसर कि क्या तुम इस स्टूपिड से होपलेस रोमांटिक लड़के से शादी करोगी? ना फिर आप विल यू मैरी मी? अच्छा, तो ये बात है। थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़ा सोच के बताऊंगी। डिनर तक? नफ़िया, डिनर डिनर तक न... नव्या, नव्या, नव्या क्या हुआ? हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो नव्या, आंटी सब ठीक हो जाएगा, she'll be fine। जब तुम जैसा गलत इंसान उसके साथ हो तो कुछ ठीक कैसे हो सकता है? नर्स, आपको डॉक्टर अंदर बुला रहे। नव्या, मैंने कहा था ना अंकल सब ठीक हो जाएगा। I'm so happy that you're fine. I'm so thank God that you're fine. Thank God that you're fine. Who are you? Nafia, I'm Avi. Avi? Mom? ये कौन है और ये सब क्या हो रहा है? बेटा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? ये कैसे हो सकता है? मैं तो ग्रेजुएशन सेरेमनी से वापस आ रही थी। डॉक्टर, नव्या, मैं अभी अभी नव्या नव्या, ये देखो, ये रिंग देखो, हम इसकी बात ही कर रहे थे। हाँ, ये देखो, और ग्रेजुएशन सेरेमनी करे तो 4 साल हो चुके नव्या। हम साथ साथ रहते हैं नव्या, एक ही घर में, हमारा अपना घर है खुद का। ग्रेजुएशन सेरेमनी 4 साल पहले हो चुका है? हाँ बेटा, नव्या की मेमोरी से 4 साल गायब हो चुके हैं। उसे उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद का कुछ भी याद नहीं। यूं कह लीजिए कि उसकी लाइफ के 4 साल पीछे चली गई। पोस्ट इंजरी ट्रॉमा में ये होता है, इसे रेट्रोग्रेड एमनीशिया कहते हैं। देखिए, आप लोगों को नव्या का बहुत ख्याल रखना है, उसके साथ बहुत ही पोलाइटली और जेंटली बिहेव करना है। नव्या की मेमोरी धीरे धीरे वापस आ जाएगी, बस थोड़ा वक्त लग सकता है। ठीक है अंकल, आई प्रॉमिस नव्या की हेल्प मैं करूँगा, उसकी मेमोरी मैं वापस लाऊंगा। अंकल, जो करना होगा वो करूँगा। कोशिश भी मत करना। ना जाने मेरी बेटी ने तुम जैसे स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन में ऐसा क्या देखा जो मेरा घर सारे ऐशो आराम छोड़ के तुम्हारे पास चले।
लेकिन अब मैं अपनी बेटी को कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी में जो कुछ गलत हुआ उसे मैं सही करूंगा। So justly। और हां, जैसे वो तुम्हें भूल चुकी है तुम भी उसे भूल जाओ। नो नो, ना मैं भूलूंगा ना उसे भूलने दूंगा। 3 साल का साथ है हमारा, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। नव्या इज माई लव एंड आई एम टेकिंग अ होम। नव्या वहीं जाएगी जहां हम रहते हैं। बहुत शराफत दिखा दी मैंने, अब तुम नव्या से दूर रहो। अगर तुम उसके कहीं आसपास भी दिखाई दे अंजाम बहुत बुरा होगा। अंकल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इट्स नॉट जस्ट मी, शी लव्स मी टू। वो तो अब तुम्हें पहचानती भी नहीं, बेहतरीन इसी में कि तुम यहां से चले जाओ। अगली बार उसका नाम भी लेना। यस सर, नव्या मैम के लिए पार्सल है। मुझे बताया गया है कि वो इसी एड्रेस पे मिलेंगी। हाँ वो यहीं रहती है, लाओ मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूँगा। सर बट मैम ने स्पेशली फ़ोन करके कहा था कि ये पार्सल सिर्फ उन्हीं को देना है और किसी को नहीं, तो सर आप प्लीज़ एक बार उन्हें बुला देंगे? मैंने कहा ना मैं उन्हें दे दूँगा। सर ये इस पर साइन कर दीजिए। जाओ। थैंक यू सर। पापा ये क्या है? कुछ नहीं बेटा, ये पार्सल आया मेरे। सर मैडम तो ठीक है पर उनके पापा ने उन्हें बुलाया नहीं और जबरदस्ती मुझसे पार्सल ले लिया। ठीक है, थैंक्स। बस 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो फिर मैं चले जाऊंगा। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया नव्या, प्लीज ट्रस्ट मी। देखो नव्या, ये हम दोनों हैं। कितने खुश हैं ना, है ना? नव्या तुम्हें पता है कि हम दोनों पहले कैसे मिले थे? याद है तुम्हें? मैं बताऊं? सुनोगी? 8 स्कूल में थे।
पोर्ट्रेट बना रही हो ना? हाँ? शो मी? वो नहीं, वो मैं क्यों दिखाऊं? अरे पोर्ट्रेट तो मेरा ना, तो मुझे तो दिखा दो। नहीं, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, और जब तक मतलब मैं कोई इनकम्प्लीट चीज किसी से शेयर नहीं करती। That's not fair, yeah. Please, yeah. I'm a little bit curious, you know. Please, please. अरे, दिखा दो, please. Please try and understand. ये मेरे पॉलिसी के खिलाफ है। Oh, policy. तो अगर कॉफी पिलाई जाए तो ये पॉलिसी चेंज हो सकती है क्या? Any chance? अब ठीक है, कॉफी के बाद सोचूंगी। Not sure, huh? Okay, let's go for coffee. You go, I'm coming. Policy. Yes, policy. last year hai art school ka. Pata nahi aage kya karungi. Bas wahi, trying to figure life and all that. Please. Thank you. Actually, you know, मैं भी वो ट्राइंग टू फिगर आउट लाइफ वाले मोड में, बट आई एम पैशनेट अबाउट म्यूजिक। म्यूजिक, दैट्स इंटरेस्टिंग। बेसिकली आई वांट टू बी अ म्यूजिक कंपोजर, बट फिलहाल स्कूल में पार्ट टाइम म्यूजिक टीचर का जॉब कर रहा हूं। हाय, आई एम नव्या। अभी पता नहीं क्यों पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी खूबसूरत रिलेशनशिप की शुरुआत हो। वैसे पेंटिंग अब तक दिखाई नहीं आपने। कंप्लीट होने दो, दिखाऊंगी। लगता है पॉलिसी चेंज नहीं की अब तक। यस, पॉलिसी इज पॉलिसी। बाय द वे, आई लव्ड योर सॉन्ग, म्यूजिक एंड लिरिक्स बोथ आर गुड। वैसे ये तुम्हारे पहले प्यार के बारे में है ना? ये उस लड़के के बारे में जो बेचारा अपने पहले प्यार को ढूंढ रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि इस सॉन्ग का सीक्वल लिखना पड़ेगा। लगता है उस लड़के को वो प्यार मिल गया। थोड़ा बिजनेस था ना, love at first sight. कुछ कुछ याद आया ना भैया? Nothing. I'm sorry. I can't remember anything. अभी हम दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप में थे, साथ रहते थे हम एक क्यूट से घर में, बहुत खुश थे हम और बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। तुम पता, मैंने तुम्हारे लिए ये रिंग भी बनवाई थी। याद है तुम्हें नव्या, तुमने इसे छुपा दिया था और मैं कितना परेशान हो गया था। हाँ याद है तुम्हें? रविया, इस बैग में मैं सारी यादें छोड़कर जा रहा हूं। वो सारे मोमेंट्स, सारे दिन, सारे पल जो हमने साथ में बिताए, वो मैं सब छोड़कर जा रहा हूं। एंड लिसन टू मी नव्या, तुम्हें सब कुछ याद आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम मुझे भूल गए ना
तो मैं जीना भूल जाऊंगा यार। जितना टाइम चाहिए आई वेट। था ना दूर रहे उसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? आखिरी बार कह रहा हूं भूल जाओ उसे। नहीं बोल सकता जब तक उसे सब कुछ याद नहीं आता था। मैं चुप नहीं बैठने वाला अंकल, मुझे उससे दूर कोई नहीं रख सकता, ना पुलिस ना। हेलो, जी हाँ, हेलो हेलो, आई कैन हियर यू। जी हाँ बोलिए। नव्या प्लीज, नव्या प्लीज। सॉरी बेटा, इम्पोर्टेंट कॉल था। पापा मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम जाऊँ? हाँ। नव्या एक बार मेरी बात सुन। नव्या नव्या ये तुम्हारी फेवरेट है ना? ये सब क्या है? जस्ट स्टॉप ऑल दिस ड्रामा, ओके? मेरे पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो ना, मुझे स्टॉक कर रहे हो और मेरी इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाह रहे हो ना? बहुत हो गया, जस्ट लीव मी अलोन। नव्या एक सेकंड, वेट नव्या एक सेकंड, एक बार मेरी बात तो सुनो। स्टॉकर लग रहा हूँ मैं तुमको? तुम्हारे डैड तुमसे झूठ कह रहे हैं नव्या। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे बारे में इतना कुछ जान पाऊंगा कि तुम्हारे डैड बचपन में तुम्हारे लिए हर संडे ये कॉटन कैंडी लाया करते थे? नव्या मैं तुम्हारे बारे में हर छोटी से छोटी बात जानता हूँ। तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो और मैं, मुझे हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं है। मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगा नव्या, वी विल फाइट दिस टुगेदर। आओ। आई हैव अ प्लान नव्या, अब हम हर रोज यहाँ मिलेंगे और तुम्हारे घर पे भी। अब वो हर वो मोमेंट जो हमने साथ में स्पेंड किए उन्हें हम फिर से जिए। तुम्हें बस मेरा साथ देने का दिया, दैट्स इट। मेरे पास बस यही रास्ता है तुम्हें वापस पाने का। प्लीज ये मत छीनो मुझसे, प्लीज।
क्यों नहीं? सॉरी. इट्स ओके. हाँ, वन सेकंड. उन्हें याद है तुम्हारा फेवरेट गेम था, हम इसे अक्सर खेलते थे और मोस्टली मैं ही हारा करता था. वो क्या ना, तुम लकी बहुत थी, हमेशा तुम्हें ड्रॉ टू ड्रॉ फोर आया करते थे तो मैं हार जाता था. पर ठीक है, यू वांट टू प्ले नाउ? देखते हैं आज कौन जीतता है. या व्हाई नॉट, शो. ओके, देख लेना, आज तो मैं ही जीतूंगा. My wild card Uno and the color is yellow and I win the game. Finally तुमको हरा दिया मैंने. कुछ याद आया तुम्हें? No Avi, nothing. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें इस हालत में देखकर. मुझसे इतना प्यार करते हो कि मुझे सब कुछ याद आ जाए, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है. तुम मुझे इतने अच्छे से जानते हो, हर छोटी चीज तुम्हें पता है. And look at me. मुझे तुम्हारी शक्ल तक याद नहीं है. I don't think so. कि मेरी याददाश्त कभी वापस आ पाएगी. आई डोंट नो. रीजन फॉर माई म्यूजिक, मैं तुमको नहीं जाने दे सकता. मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं रह सकता. मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा. मैं तुम आपने मुझसे झूठ बोला. डैड यू लाइक टू मी. डैड ही लव्स मी एंड आई लव हिम. और ये पेंटिंग उस प्यार का सबूत है. हाउ कुड यू डू दिस डैड? अमनीशिया का फायदा अभी ने ली, आपने उठाया. यस, इट्स यू. Yes,
मुझे पुरानी कोई भी बात याद नहीं है अभी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उतना प्यार कोई और नहीं कर सकता। तुमने कितनी कोशिशें की थी ताकि मुझे सब कुछ याद आ जाए। आई विश अभी वो नव्या तुम्हें वापस दिला सकूं। आई जस्ट कांट रिमेम्बर अभी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए पेंटिंग बनाई थी एक्सीडेंट से पहले। चाहिए अभी हम दोनों को जो वक्त हमने बिताए थे मुझे वो सब याद करने अभी। प्लीज हेल्प मी नाउ अभी, हेल्प मी नाउ अभी। नवी और फिर हम दोनों मिलकर नए मोमेंट्स, नई याद, नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। फिर से शुरू करें। हाय, आई एम अभी। आई एम नव्या। पता नहीं क्यों पर ऐसे लग रहा है जैसे किसी खूबसूरत रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है। जो यादें खो गई थी अभी उन्हें वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन नई यादें बनाने के लिए उसे एक बहुत इम्पॉसिबल बैटल लड़ना पड़ा जो वो शायद खुद ही लड़ सकता। नव्या और अभी के प्यार ने ये बात प्रूव कर दी दैट लव इज जस्ट नॉट एन इमोशन, इट्स अ फोर्स, जिसे चट्टानों पर चढ़ना भी है और आंधियों से लड़ना भी करना है। नहीं तो मत, ये है तो कभी मर नहीं। This is Mrinal Dutt signing off from yet another beautiful episode of Yeh Hai Aashiqui. Till next time.